Good morning, students. Welcome to the history class. Today we are going to start the last chapter of unit 3, lesson number 8, confrontation of cultures. This chapter will examine some aspects of the encounters between Europeans and the people of the Americas between the 15th and 17th centuries. Some Europeans ventured out on unknown oceans in order to find trading routes to areas where spices and silver were to be obtained. The first to do this were the Spanish and the Portuguese. They persuaded the Pope to give them the exclusive right to rule over any new region they might locate. Christopher Columbus, an Italian, sponsored by the rulers of Spain, sailed west in 1492 and thought that the lands he had reached were the Indies, that is, India and countries east of India, about which he had read in the travels of Marco Polo. इस अध्याय में हम 15th और 17th centuries के दौरान यूरोपवासियों और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे. इस पीरियड में यूरोपवासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे. इस काम में सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरुआत की. उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने के एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त कर लिए जिन्हें वे भविष्य में खोजने वाले थे. स्पेन के शासकों की स्पॉन्सरशिप में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में ईस्ट की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा, उन्हें उसने इंडीज़ यानी भारत और भारत के ईस्ट में स्थित देश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो के ट्रेवल अकाउंट्स में पढ़ा था समझा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी. लेटर एक्सप्लोरेशंस इंडिकेटेड दैट द इंडियंस of the new world actually belonged to different cultural groups and were not part of Asia. Two types of culture were to be found in the Americas. There were small subsistence economies in the Caribbean region and in Brazil. There were also powerful monarchical systems based on well-developed agriculture and mining. These like the Aztec and Mayas of Central America and the Incas of Peru also had monumental architecture. बाद में हुई खोजों से पता चला कि न्यू वर्ल्ड के इंडियंस वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे और वे जहाँ रहते थे वे इस एशिया का हिस्सा नहीं था. उस समय नॉर्थ और साउथ अमेरिका में दो तरह के कल्चर्स के लोग रहते थे, एक और कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राज़ील में छोटी सबसिस्टेंस इकोनॉमीज और दूसरी तरफ डेवलप्ड एग्रीकल्चर और माइनिंग पर आधारित शक्तिशाली मोनार्कियल सिस्टम्स थे. मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के एस्टेक और माया कम्युनिटी और पेरू के इंका समुदाय के समान यहाँ भव्य आर्किटेक्चर थी. द एक्सप्लोरेशन एंड लेटर द सेटलमेंट ऑफ साउथ अमेरिका वर टू हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज for the native people and their cultures. It also marked the beginning of the slave trade with Europeans selling slaves from Africa to work in plantations and mines in the Americas. South America की खोज के बाद में बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ. इसमें slave trade की शुरुआत हो गई जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर नॉर्थ तथा साउथ अमेरिका की खानों तथा प्लांटेशन साइट्स यानी बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे. पीपल हैव बीन लिविंग इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड नियर बाय आइलैंड्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड मैनी माइग्रेशंस फ्रॉम एशिया एंड फ्रॉम द साउथ सी आइलैंड्स हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम. South America was and still is in parts densely forested and mountainous, and the Amazon, the world's largest river, flows through miles of dense forest in Mexico,
in Central America, there were densely settled areas of habitation along the coast and in the plains, while elsewhere villages were scattered over forested areas. अनेक जन समुदाय नॉर्थ और साउथ अमेरिका और नियर बाय आइलैंड्स में हजारों वर्षों से रहते आए थे और एशिया तथा साउथ सी के आइलैंड्स में जाकर लोग वहां बसते रहे थे। साउथ अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग जंगलों से ढके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन मीलों तक यहाँ के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको के समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि बाकी जगह डेंस फॉरेस्ट वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिटीज ऑफ द कैरिबियन एंड ब्राज़ील। द अरावकी लुकाओ लिव्ड ऑन अ क्लस्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरिबियन सी, today known as Bahamas and the Greater Antilles. They had been expelled from the Lesser Antilles by the Caribs, a fierce tribe. In contrast to them, the Arawak were a people who preferred negotiation to conflict. Skilled boat builders, they sailed the open sea in dugout canoes, canoes made from hollow tree trunks. They lived by hunting, fishing and agriculture, growing corn, sweet potatoes, tubers and cassava. अरावाकी लुकायोस समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों आइलैंड्स, जिन्हें आज हम बहामास कहते हैं, और ग्रेटर एंटलीज में रहते थे। कैरिब नाम की एक खूंखार कबीले ने उन्हें लेसर एंटलीज प्रदेश में खदेड़ दिया था। इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र की यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। अ सेंट्रल कल्चरल वैल्यू वॉज the organization of people to produce food collectively and to feed everyone in the community. They were organized under clan elders. Polygamy was common. The Arawaks were animist. As in many other societies, shamans played an important role as healer and intermediaries between this world and that of the supernatural. Arawak संस्कृति के लोगों की मुख्य कल्चरल वैल्यू ये थी कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करते और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त होता। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन इकट्ठे होते। उनमें बहुल विवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावक समाज में भी शमन लोग हीलर्स यानी कष्ट निवारकों और इस लोक से परलोक के बीच इंटरमीडिएट की भूमिका अदा करते थे।